और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किया है उम्मीदवारों का ऐलान। पहली सूची में कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। बता दें कि पहली सूची कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में जारी हो चुकी है। पहली सूची में कई कैबिनेट मंत्री भी मैदान में उतारे गए हैं। बता दें कि सूची में SC के 3 और ST के 14 उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा पहली सूची में 4 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, 8 मौजूदा विधायकों के भी टिकट काटे गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, 8 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की पहली सूची में 30 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और पहली सूची में कई कैबिनेट मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, पहली सूची में कई कैबिनेट मंत्री मैदान में उतरे हैं। एक मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री मैदान में उतरे हैं। सूची में SC के 3 और ST के 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। पहली सूची में 4 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। पहली सूची में जो 4 महिला हैं, और बता दें कि 8 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं। और अंबिकापुर से डिप्टी CM TS सिंहदेव को उम्मीदवार बनाया गया है। सीतापुर से अमरजीत भगत को टिकट मिला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कोरबा की, तो कोरबा से जयसिंह अग्रवाल को टिकट दिया गया है। और पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टिकट मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ेंगे। और दुर्ग से गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा साझा से अगर बात की जाए तो मौजूदा मंत्री रविंद्र चौबे को टिकट दिया गया है, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार को टिकट मिला है। पहले कई अफवाहें इनके नाम पर चली, लेकिन अब टिकट मिला। डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दिया गया है। तो राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को टिकट दिया गया है, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा डोंगरगांव से दलेश्वर साहू को टिकट दिया गया है, ये भी कांग्रेस पार्टी में बड़ा नाम माने जाते हैं। कांकेर से शंकर ध्रुव को उम्मीदवार बनाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है, लेकिन आपसे पहले यही जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा 8 विधायकों के टिकट काटे हैं। एक जो मंत्री है, पूर्व मंत्री है, उनको टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन जो 30 नाम है उनमें कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, रविंद्र चौबे जैसे कई दिग्गज नाम है जो अब चुनावी समर में है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? हेलो मनोज जी, सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, फिर से बोलिए एक बार। सर कांग्रेस पार्टी ने अपने 30 उम्मीदवारों की सूची है, पहली सूची जारी कर दी है। 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, इनके अब क्या कुछ मसला है? इसके अलावा 4 महिलाओं को भी चुनावी मैदान में उतारा है। SC के 3 और ST के 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन जो मौजूदा सभी मंत्री है सभी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया, उनको टिकट दिया है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? नहीं ठीक है, देखिए पहली ये सूची है, मतलब 90 में 30 विधानसभा सीट से जो है नामों की घोषणा की गई है, ये पहली सूची है। लेकिन इसमें जो 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 अप्रत्याशित नाम है वो है गिरीश देवांगन का, जिसको मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ उतार दिया गया, जो उनका ना गृह ग्राम है, ना उनका गृह जिला है, ना उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो ये बीजेपी के लिए एक प्रकार से तो बोलने के लिए हो जाएगा बीजेपी को कि डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं था इसलिए। और दूसरी बात ये है कि एक मंत्री रुद्रू ने जो है अपनी विधानसभा सीट बदल दी है, वो अहिवारा छोड़ के नवागढ़ चले गए, तो वहां पहले ही विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ हो चुका था। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे 6-7 विधायकों का टिकट काटना, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस पहले चरण में जिस 20 सीटों में चुनाव होने हैं उसे सबके टिकट नहीं दी गई है, वहां अधिकांश जगह जो है खाली पड़ी है अभी भी। तो असंतोष तो कांग्रेस को अब झेलना पड़ेगा, इस पहली सूची को देखकर ही लग रहा है। और अभी तो 60 विधानसभा सीटों की घोषणा और होना बाकी है, लेकिन पहले जो पहली सूची है वो अप्रत्याशित है करीब करीब। देखिए मंत्रियों का तो टिकट नहीं कटना था, ये तो तय था, मंत्रियों को सारे मंत्रियों को मिल गया है, लेकिन उसमें एक मंत्री का सीट छोड़ देना ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो अपनी पुरानी सीट जिससे वो चुन कर आए थे उसको जीतने में उनको सशंकित थे, वो जीत नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने सीट बदल दी। तो सीट बदलना भी जो है एक प्रकार से जो है वो विपक्ष को मौका देता है बोलने के लिए कि डर कर भाग गया करके। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा तथ्य है। और पहली जो सूची है कांग्रेस की वो बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती।
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर, जैसे कि खैरागढ़ की अगर बात करें, डोंगरगढ़ की बात करें, राजनांदगांव की बात करें और खुज्जी की बात करें, ये जो तमाम सीटें हैं कैंडिडेट्स को बदला गया है, क्या उम्मीदवारों के बदलने से सीटें निकल पाएगी, इनका क्या गुणागणित है, क्या सियासी समीकरण है सर इनका? देखिए ये सब राजनांदगांव जिले के और जो पुराना अखंड राजनांदगांव जिला था उस इलाके की सीटें हैं, और यहाँ पे दो तीन विधायकों को बदल दिया गया, खुद जी से विधायक की टिकट काट दी गई है। तो आप अगर मतलब 11 अगर 12 मंत्री को छोड़ दें तो 18 में से 7 विधायक की टिकट काटते हैं, तो आप देख लीजिए इसमें असंतोष किस कदर फैलेगा। और कांग्रेस में असंतोष कोई नई बात नहीं है, जो कांकेर से शिशुपाल सोरी की टिकट काटी गई है, वे उसे विधायक नहीं थे, वो संसदीय सचिव थे, मंत्री का दर्जा था उनको। उसके अलावा जो अंतागढ़ से भी एक टिकट काटी, विधायक जो अनूप नाग है उसकी टिकट काटी गई थी, ये लोग बहुत ताकतवर थे। पिछली बार उन्होंने अनूप नाग ने प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी को हराया था। तो बहुत लंबे लंबे मार्जिन से जीतने वाले विधायकों की जिस तरह टिकट काटी गई है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की राह बहुत आसान तो नहीं होगी। जी बिल्कुल, इस बार अंतागढ़ की आप बात करें, वहां से रूप सिंह पोटाई को उम्मीदवार बना दिया और दंतेवाड़ा से छविंद्र महेंद्र कर्मा को उम्मीदवार बना दिया, जबकि देव जो 2018 के उम्मीदवार थे वो देवती कर्मा थे दंतेवाड़ा से, और अंतागढ़ से अनूप नाग थे। अनूप जो नाग जी हैं वो बड़ा नाम माने जाते हैं कांग्रेस में, उनका टिकट काटना कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसानदायक हो सकता है। देखिए अनूप नाग पहले पुलिस में थे, रिटायर हुए, उसके बाद वो राजनीति में आए, वो नाम तो सशक्त थे। और जो आप छविंद्र की कर्मा की बात कर रहे हैं, वो देवती कर्मा जिनकी टिकट कटी है उनके पुत्र है, तो वो तो पारिवारिक सहमति से उनको टिकट दिया गया है। लेकिन देवती कर्मा की छवि जो है छविंद्र कर्मा की तुलना में बहुत अच्छी थी और उनका काम भी अच्छा था, लेकिन क्या कारण है वो उनके पारिवारिक कारण वो जाने, लेकिन उनकी जगह उनका पुत्र जीत जाए ऐसा लगता नहीं है। दोनों ही सीटें जो है वो कांग्रेस ने जो जीती हुई सीटें जो है वो खतरे में डाल दी है। जी जी बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, एक सांसद ही मैदान में है, अब आप जानते हैं दीपक बैज जो कि अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष है, उनको चित्रकूट से उतारा गया है और जो विधायक राजमन बेजाम है उनका टिकट काटा गया है। देखिए दीपक बैज जो है वो पहले भी विधायक के बाद सांसद थे, अब इन्होंने पहले जब भाजपा ने जब सांसदों को मैदान में उतारा तब कांग्रेस ने बीजेपी पर हल्ला किया था कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है इसलिए सांसदों को मैदान में उतार रहे हैं। आप जब कांग्रेस सांसद को मैदान में उतार रही है तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा, जनता तो सवाल पूछेगी और विपक्ष भी हमला करेगा ही कि भाई अब क्या हो गया, आप सांसद कैसे उतार रहे हैं। दीपक बैज एक अच्छे प्रत्याशी हैं, दीपक बैज की उम्मीदवारी में कोई वो नहीं है और वो लोकप्रिय भी है, लेकिन अगर असंतोष वहां दिखा उस सीट में और जिसकी टिकट कटी है, वो कांग्रेस की जैसे परंपरा है गुटबाजी की, अगर वो परंपरा अगर हावी हुई तो कांग्रेस के लिए बस्तर इस बार अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है, पहली सूची में 30 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है, डोंगरगढ़ से हरिश्विता स्वामी बघेल को उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है, इसके अलावा राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को टिकट दिया गया है, तमाम जो 8 विधायक हैं मौजूदा उनके टिकट काटे गए हैं, डोंगरगांव से दलेश्वर साहू को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां पर कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है, पहली सूची में कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों का ऐलान किया है।